पिथौरागढ़ पुलिस ने अभियान के पहले चरण में भौतिक सत्यापन के दौरान 15 दिन के अंदर कुल 11 गुमशुदा किए बरामद। गुमशुदा बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की तलाश एवं पुनर्वास हेतु 1 मई 2024 से 30 जून 2024 तक 2 माह का प्रदेश भर में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका नाम ऑपरेशन स्माइल रखा गया है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के परीक्षण में ASTU व जनपद पुलिस की ऑपरेशन स्माइल टीम गठित की गई है। टीम द्वारा प्रथम चरण में गुमशुदाओं का बहुत ही सत्यापन किया गया। इस दौरान टीम द्वारा कुल 11 गुमशुदाओं, महिलाओं 3, पुरुष 2, नाबालिग बालिकाएं 7 को बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। गुमशुदा महिलाएं, बच्चों, पुरुष की तलाशी में पुनर्निवास हेतु मुख्यालय स्तर से 1 मई 2024 से ऑपरेशन स्माइल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा भी ऑपरेशन स्माइल टीम का गठन किया गया है। ऑपरेशन स्माइल टीम द्वारा डेटा एकत्रित कर गुमशुदाओं की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में विगत 15 दिवसों में ऑपरेशन स्माइल टीम द्वारा 11 गुमशुदाओं की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 महिलाएं, एक पुरुष व 7 बालिकाएं शामिल है। और आने वाले कुछ समय में हम और इसमें गुमशुदा महिलाओं की बरामदगी करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। हरचुला में बस पार्किंग के नाम पे 4 करोड़ का टेंडर हुआ था, जिस पर 13 दुकानें जो बनी थी वो नगर पालिका की हटा दी गई। उसके उपरांत उक्त स्थल पर कार्य शुरू होना था, परंतु कुछ सामग्री इकट्ठा करके और तोड़फोड़ खुदान करने के बाद उस स्थल को छोड़ दिया गया है, जिससे गर्मी के माहौल में इस बस पार्किंग में कहीं ना कहीं धूल व धक्कड़ बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों का आना जाना मुहल हो गया है। स्कूली बच्चे परेशान है। सीवर लाइन ओपन खुले में बह रही है। सीवर लाइन का कहीं निस्तारण किया गया था, परंतु उसको अभी गड्ढे में समायोजित नहीं किया गया है। इससे गंदगी बनी पड़ी है। गांधी चौक के सबसे व्यस्तम चौराहे की दुर्दशा देखने ही बनती है। इस दुर्दशा के जिम्मेदार प्रशासनिक इकाइयां हैं या फिर स्थानीय नागरिक हैं, ये समझ में नहीं आता है। जल निगम के द्वारा इस कार्य को शुरू तो कर दिया गया, परंतु अभी तक इस कार्य में आगे क्या होगा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। धारचूला में वाहनों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ टूटी फूटी सड़क, टूटा फूटा मलबा, दूसरी तरफ वाहन, बीच में स्कूल जाते हुए तन्ने मुन्ने बच्चे। स्थितियां बड़ी गंभीर है। अब प्रशासन को ही संज्ञान लेकर कार्य को शुरू करवाना पड़ेगा। आदि कैलाश यात्रा का पहला दल गुंजी में पहुंच गया है। गुंजी से ओम पर्वत के लिए रवाना हो रहा है। गुरुवार को आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत की यात्रा का प्रथम दल गुंजी से ऊपर ओम पर्वत को प्रस्थान करेगा, जहां ओम पर्वत के दर्शन कर कालापानी मंदिर व काला नदी का उद्गम स्थल काली मंदिर, नाग देवता के दर्शन कर वापस गुंजी लौटेंगे। आदि कैलाश यात्रा के यात्री अंशु पांडे ने बताया कि यात्रियों में काफी उत्साह है और यहां का ठंडीला मौसम के बीच अपने को पाकर काफी यात्री उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों से ओम पर्वत गूंज उठा है। नमस्कार साथियों, आज आदि कैलाश की यात्रा के दौरान हम इस समय छियालीक पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। देखिए हमारे कुछ ही दूरी पर पहाड़ में सामने पूरा बर्फ बिछी हुई है, बरसात पूरी बर्फ दिखाई दे रही है। हम इस समय आर्मी कैंट एरिया में भी हैं और छियालीक बहुत ठंड हो रही है, बर्फबारी हो रही है। देखिए हमारे कपड़ों में पूरे गीले हो गए हैं, बर्फ का हम आनंद ले गए और हमें बड़ा खूबसूरत में जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा ये यात्रा कराई जा रही है, जिसमें पहले दल में हमें जाने का सौभाग्य मिला, जिसमें 50 यात्री इस यात्रा में जा रहे हैं। गर्म माहौल से होते हुए जब हम पहाड़ की सुंदर वादियों में आए, आदि कैलाश की यात्रा में बूदी में बीच में भी हमने लंच किया, उसके बाद जब ऊपर को चढ़े और माहौल बदलता हुआ देखा, तो देखिए आप सामने देख सकते हैं हमारे ऊपर पूरी बर्फ गिर रही है और सामने पूरा बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा है। पूरा 46 इस समय चारों तरफ बर्फ से घिर चुका है। हम 46 में इस समय आर्मी कैंट बॉर्डर चारों तरफ दिखाई दे रहा, हम आर्मी कैंट बॉर्डर पर रुके हैं, जिसमें हमारे गाड़ी के ड्राइवर पास दिखा के वहां से पासिंग ले रहे हैं। तब तक हम आपको यहाँ के मौसम से अवगत कराते हैं और आगे कराते रहेंगे। जय हर हर महादेव, जय हर शिव। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश यात्रा के अंतिम पड़ाव आज की शाम गुंजी पे, जहां हम रात्रि विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं यहां का पर्वतीय माहौल, चारों तरफ बर्फ से भरा हुआ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। काफी ठंड का माहौल हो रहा है। अभी पहले हल्के हल्के बर्फीली बरसाए हुई थी, उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे। बहुत ठंड का माहौल है, काफ़ी लोग जो यात्रीगण आए थे वो अपने कमरों में घुस चुके हैं, क्योंकि उन्हें अचानक ठंड देखने को मिला है। आज रात ही हम यहीं रुकेंगे और रात का भोजन यहीं होगा और कल सुबह हम यहाँ से
ओम पर्वत की ओर निकलेंगे सुबह 6:30 बजे, नाश्ता लंच करके, और कल ओम पर्वत के बाद रात्रि विश्राम भी हम गुंजी में ही करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ आर्मी कैंट एरिया हुआ है। इस समय हम आर्मी कैंट के बीच पूरी सेना के जवानों के बीच में हम यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा आयोजित इस यात्रा में काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है। जगह जगह रहने के तमाम इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं पहाड़ों में रुकने के लिए अलग अलग टाइप के कॉटेज बनाए गए हैं, कोई पत्थरों के, कोई टीन सेट के, कोई अलग अलग कॉटेज बनाए गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी उत्साह है और यात्रा में उनका मनोबल बढ़ रहा है। और आगे भी आपको जानकारी दे जाएगी। हर हर महादेव। Please do like, share and subscribe DCL News.